बुरहानपुर जिले की इमागिर्द पंचायत के अंतर्गत लालबाग लोधीपुरा रोड पर जिले की सबसे पॉश कहे जाने वाली कॉलोनी गायत्री नगर में कॉलोनाइजरों की मनमानी करते हुए विरुद्ध वो प्लाटिंग कर रहे हैं। और यही नहीं, नक्शे में सड़क दर्शाई गई है किंतु मौके पर 3 मंजिला भवन का निर्माण कर दिया गया है। कॉलोनी वासियों की आपत्ति और शिकायत के बाद प्रशासन मीडिया ने खबर चलाई थी, जिसके बाद तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी से सीसी रोड को खोद दिया है। वहीं अवैध भवन निर्माण को लेकर नोटिस भी जारी किया गया है। कॉलोनी में करीब 1,500 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से प्लाट बेचे जा रहे हैं। कॉलोनाइजरों द्वारा 10 एकड़ के खेत में से 8.5 एकड़ में TNCP से अप्रूव करवाकर की यह कॉलोनी का निर्माण किया गया है। इसी हिसाब से बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। अब कॉलोनाइजर मनमानी करते हुए अतिरिक्त 1.5 एकड़ भूमि पर भी नियम विरुद्ध जाकर प्लॉटिंग कर रहे हैं। मास्टर प्लान के तहत सड़क की प्रयोग निकला हुआ है। रोड पर कॉलोनाइजर के द्वारा अवैध रूप से कंक्रीट का रोड बना दिया गया था, उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें कितने कॉलोनाइजर हैं और यहाँ पे कोई पक्का मकान का भी निर्माण हुआ है? हाँ, उनको भी नोटिस जारी करेंगे हमारे न्यायालय के द्वारा। 4 कॉलोनाइजर के द्वारा एक संयुक्त रूप से कॉलोनी काटी गई है, उनको भी विधिवत रूप से न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया गया है। उनको नोटिस देने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। ये शासन स्तर पर एक अभियान चल रहा है अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ? बिल्कुल, अगर और भी कॉलोनाइजर है जिन लोगों ने अवैध रूप से निर्माण कराया है और अवैध रूप से प्लॉट काटे हैं, उनके ऊपर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।